नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में जो टॉपिक कवर होने वाला है वो है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के हाफाना के सिक्के। मेरे पास दोस्तों कुछ कमेंट आए थे हाफाना के सिक्कों को लेकर, क्योंकि मैंने पिछली कुछ वीडियो बनाई है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाफाना के सिक्के पर, तो उसी को लेकर दोस्तों मेरे पास कुछ कमेंट आए थे। तो आज दोस्तों जो इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं वो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाफाना में कौन सी रेयर वैरायटी है, और अगर आपके पास ये वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाफाना के सिक्के हैं तो आपको इसकी क्या अच्छी खासी वैल्यू दोस्तों मिल सकती है। तो ये सिक्के दोस्तों बॉम्बे मिंट में भी बने थे और कलकत्ता मिंट में भी बने थे। अलग अलग मिंटों में सिक्के बने थे और मिंट के हिसाब से भी दोस्तों वैल्यू में काफी फर्क पड़ जाता है, क्योंकि कुछ मिंट में सिक्कों की ढलाई ज्यादा होती है और कुछ मिंटों में सिक्कों की ढलाई कम होती है। अब बात करते हैं इसमें रेयर वैरायटी कौन सी है और कौन से सिक्कों की आपको अच्छी खासी वैल्यू मिल सकती है। तो मैं सबसे पहले बता दूं, अगर आपके पास कोई कॉमन सिक्का है 1835 का, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये कुछ 1835 के सिक्के मेरे पास है, और अगर आपके पास ऐसे कॉमन सिक्के हैं जिनमें कोई रेयर वैरायटी नहीं है या कोई एरर नहीं है, ठीक है, तो अगर ये यूएनसी कंडीशन में आपके पास है तो दोस्तों यूएनसी कंडीशन में हाफ आने के सिक्के की जो प्राइस होती है दोस्तों वो 30,000 से लेके 50,000 रुपये तक जाती है। मई के महीने में, मई 2018 में दिल्ली में एक एग्जीबिशन लगा था कनॉट प्लेस में, तो वहां पर जब मैं गया था तो 1835 का ईस्ट इंडिया कंपनी का हाफ आना का सिक्का एक कलेक्टर के पास था और उसने 35,000 रुपये मुझसे उस सिक्के के मांगे थे दोस्तों। अब ये वाले सिक्के जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मुझे करीब करीब 200 से और 500 रुपये के बीच में इन सिक्कों की प्राइस होती है, और अगर ऐसे सिक्के आप लॉट में ले लेते हैं तो दोस्तों ये और ज़्यादा आपको थोड़े सस्ते मिल सकते हैं। तो अब आप सबसे पहले ये समझिए कि अगर आपके पास ऐसे सिक्के हैं तो आपको करना क्या है, क्या आपको उसकी अच्छी प्राइस मिले दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हाफ आना के सिक्के बने थे वो 1832 में भी बने थे दोस्तों। 1832 में वो जो सिक्के बने थे हाफ आना के, वो प्रेजिडेंसी सिक्के उनको बोलते हैं, उनके पीछे तराजू वगैरह कुछ इस तरह का बना होता है। और 1834 में भी सिक्के बने थे दोस्तों, वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी वगैरह के होते थे। वो क्या होता था, व्यापार के लिए यूज होते थे, प्रेसिडेंसी सिक्के होते थे वो, और वो पूरे इंडिया में सर्कुलेशन में नहीं होते थे दोस्तों। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, तो ऐसे इनको बोलते थे दोस्तों प्रेसिडेंसी कॉइन, जो 1832 और 1834 में भी जो हाफ आना चले थे दोस्तों, वो रेयर होते हैं। अगर वो यूएनसी कंडीशन में आपके पास है तो दोस्तों 50,000 से 60,000 रुपए तक उनकी कीमत होती है 1832 और 1834 के हाफ आना के सिक्के की दोस्तों, क्योंकि वो प्रेसिडेंसी कॉइन है और वो दोस्तों काफी कम मिलते हैं आप देखने को। तो अब बात करते हैं ये 1835 के सिक्के की दोस्तों। 1835 पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का था जो पूरे भारत में सर्कुलेशन में आया था, और पूरे भारत में ये चलन में जारी हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से दोस्तों। ये पहला सिक्का बोलते हैं इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी फिर विलियम के नाम से 1 रुपी जारी हुए थे दोस्तों, क्वार्टर आना भी इस तरह से जारी हुए थे। तो दोस्तों ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला सिक्का है। बाकी इससे पहले जो सिक्के चलते थे वो दोस्तों मुगल बादशाहों के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाए थे, जिनको सिल्वर रूपी आपने देखे होंगे, बंगाल मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सिल्वर रूपी भी आते हैं, वो बनाए ईस्ट इंडिया कंपनी ने थे दोस्तों, लेकिन वो मुगल बादशाह के नाम पर जारी हुए थे, शाह आलम सेकेंड के नाम पर जारी हुए थे। तो अब बात करते हैं इसमें रेयर वैरायटी कौन सी है दोस्तों। तो रेयर वैरायटी में बता दूं दोस्तों आपको, 1875 का अगर आपके पास हाफ आना का सिक्का है दोस्तों, तो वो सबसे महंगा सिक्का है, 50,000 रुपए से और 80,000 रुपए तक उस सिक्के की कीमत जाती है 1875 के हाफ आना की। बाकी 1877 का भी रेयर होता है हाफ आना ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो क्वीन विक्टोरिया के होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये अब आप देखेंगे अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर जो आखिरी सिक्के जो जारी हुए थे हाफ आना के, वो 1845 के थे। 1845 भी रेयर सिक्का होता है, उसके बाद क्वीन विक्टोरिया के सिक्के आए थे हाफ आना के, और 1877, 1875, 1862 इस तरह के कुछ हाफ आना के सिक्के आए थे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि 1877 का अगर नॉर्मल कंडीशन में आपके पास सिक्का है तो उसके आपको आ सकते हैं दोस्तों 2,000 रुपए से 3,000 रुपए तक 1877 के हाफ आना के सिक्के के दोस्तों। और अगर आपके पास 1875 का हाफ आने का सिक्का है दोस्तों नॉर्मल कंडीशन का, तो उसके दोस्तों आपको आ सकते हैं 3,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक 1875 के नॉर्मल कंडीशन के। और अगर वो यूएनसी कंडीशन में आपको मिल जाता है तो दोस्तों वो बहुत अच्छी खासी वैल्यू में आपका सेल होगा। और ऐसे सिक्कों को दोस्तों अपने पास आप रखें, उनकी ग्रेडिंग कराएं,
ग्रेडिंग कराने से दोस्तों कॉइन पूरी तरह से सर्टिफाइड हो जाता है और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है दोस्तों, और एक तरह से वो ऑथेंटिक हो जाता है। क्या ग्रेडिंग से पूरे उसमें जो मार्किंग वगैरह जो उसमें पॉइंट वगैरह जो मिलते हैं, तो ग्रेडिंग में ये सारी चीजें होती है। क्योंकि ग्रेडिंग में भी क्या होता है, जिस कंपनी से आप अपने सिक्कों की ग्रेडिंग कराएंगे तो वो कंपनी भी कॉइन कलेक्टर जो कॉइन के एक्सपर्ट होते हैं उनसे सिक्कों की जांच कराती है। तो जो कॉइन एक्सपर्ट होते हैं वो सारी चीजों को देखते हुए ग्रेडिंग करते हैं और उसी हिसाब से उसको नंबर देते हैं सिक्कों को। क्या 70 में से उनको कितने नंबर मिले हैं, 62 मिले हैं, 65 मिले हैं या क्या है, उस तरह से वो सिक्कों को देखते हैं। पूरी तरह से जांच होती है सिक्कों की, फिर उस हिसाब से उस सिक्के की जो है पॉइंट बनाए जाते हैं। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के हाफ आना के सिक्के हैं दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको अगर यूएनसी कंडीशन में ऐसे हाफ आना के सिक्के मिल गए हैं या आपके पास पड़े हैं या किसी दोस्त के पास हाफ आना के सिक्के हैं, तो वो दोस्तों काफी महंगे होते हैं, उसकी अच्छी वैल्यू आपको जरूर मिलेगी। कॉइन कलेक्टर आपको उससे अच्छे खासे पैसे दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने एग्जीबिशन में जाकर देखा है यूएनसी कंडीशन में हाफ आना सच में बहुत महंगे होते हैं। 1832, 1834 ये सच में बहुत महंगे हाफ आना है, और 1875 दोस्तों। तो आज की इस वीडियो का दोस्तों जो टॉपिक था, इस वीडियो के टॉपिक में दोस्तों आज हमने कवर किया क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हाफ आना के सिक्के थे उनकी क्या वैल्यू है, और ये जो नॉर्मल कंडीशन के हाफ आना के सिक्के हैं दोस्तों इसकी क्या वैल्यू है। अब अगर आप ये देखेंगे कंडीशन, तो दोस्तों इसकी कंडीशन थोड़ी सी अच्छी है, क्योंकि इसमें लॉयन का फेस और लॉयन की शील्ड और ये जो फ्लैग लॉयन ने पकड़ा हुआ है ये भी अच्छा है। नीचे जो ईयर है 1835 ये भी एकदम क्लियर दिख रहा है। पीछे की तरफ आप देखोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी उर्दू इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, साफ दिख रहा है। तो इसी हिसाब से थोड़ी सी कीमत होती है। तो अगर इस सिक्के की कीमत की बात करें तो करीब करीब ये 500 रुपये तक होगा दोस्तों ये सिक्का। हालांकि एग्जीबिशन में 1000 रुपये का ये कंडीशन में बिक रहा था, लेकिन फिर भी आपको 500 से 600 रुपये का आइडिया देकर चल रहा हूँ दोस्तों। और अगर आपके पास ज्यादा घिसा हुआ सिक्का है ईस्ट इंडिया कंपनी का, मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसा, तो ये दोस्तों आपको दे सकता है 150 रुपये से 250 रुपये तक किसी भी कंडीशन में। क्योंकि इसमें आप देखोगे शील्ड पूरी घिसी हुई है, लॉयन का फेस घिसा हुआ है, ईयर थोड़ी सी घिसी हुई है लेकिन दिख रही है। तो ये सारी चीजें देखनी होती है दोस्तों सिक्के में। तो इसी हिसाब से सिक्कों के दोस्तों प्राइस वगैरह जज होते हैं कंडीशन के हिसाब से। सभी सिक्के रेयर नहीं होते हैं दोस्तों, ज्यादातर जो कॉइन कलेक्टर जो कॉइन का कलेक्शन करते हैं वो अच्छी कंडीशन में ही कॉइन का कलेक्शन करना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कॉइन की कंडीशन देखिए, और ऐसा नहीं है कि सभी सिक्कों की प्राइस आपको हाई मिल जाएगी। सभी सिक्के महंगे नहीं होते दोस्तों, कुछ ही सिक्के होते हैं जो रेयर होते हैं, और अगर आपके पास पुराने सिक्के हैं तो आप भी उनको अच्छी खासी कीमत में बेच सकते हैं। लेकिन वैरायटी अगर रेयर है तभी वो अच्छी कंडीशन में और अच्छी कीमत आपको मिल पाएगी उस सिक्के की, रेयर वैरायटी की दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपको भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाफ आना के सिक्कों के बारे में नॉलेज मिल सके, जानकारी मिल सके। और ईस्ट इंडिया कंपनी के दोस्तों कुछ नकली सिक्के भी बाजार में अब बन रहे हैं, जैसे UKL हाफ आना 1818, 1816, सॉरी 1616, 1717। तो ये नकली सिक्के हैं दोस्तों, ये टोकन बोलते हैं इनको, टेम्पल टोकन बोलते हैं, और ये पूजा वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा होगा राम दरबार, ये राम दरबार बनाए रखते हैं या बंदर बनाए रखते हैं, उसपे राम लक्ष्मण सीता बनाए रखते हैं और साईं बाबा राधे कृष्णा। तो ये जो सिक्के होते हैं और पीछे लिखा होता है UKL हाफ आना ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब फेक सिक्के हैं, नकली सिक्के हैं। तो इस किसी चक्कर में आप ना ही पड़े तो बेहतर है, क्योंकि मार्केट में ज्यादा नकली अफवाह भी फैल रही है क्या उनकी कोई कीमत ज्यादा होती है और वो आपको अच्छा खासे पैसे दिला सकते हैं। तो उस चक्कर में ना पड़े दोस्तों, जो जेन्युइन सिक्के होते हैं दोस्तों उनके प्राइस नॉर्मल ही होते हैं, और ये लाखों रुपए के करोड़ों रुपए के दोस्तों होते हैं सिक्के, लेकिन वो सिक्के अलग होते हैं, वो बहुत कम होते हैं सिक्के। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो आप अगर आपने देखी हो मेरी, क्या मुगल सिक्के, निकुसियार, जहांगीर के जो रेयर वैरायटी है मैंने उसको भी बताया था, वो सिक्के होते हैं दोस्तों 1.5 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए उनकी कीमत होती है सिक्कों की। तो ऐसा नहीं है कि सभी सिक्कों की कीमत ज्यादा होती है। और बाकी जो मैंने आपको बताया कि 1616, 1717, 1818 ये सब फेक सिक्के हैं, इनके चक्कर में ना पड़े आप। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नॉर्मल सिक्के होते हैं जैसे 1835, 32, 1834, 62, 77, 75 ये होते हैं दोस्तों हाफ आना, 1845 का भी है। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों जो है आप सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी शेयर करें, ताकि लोगों को भी पता चल सके क्या ईस्ट इंडिया कंपनी जो 180 185 साल पहले जो सिक्के जारी करे थे आज इसकी क्या वैल्यू है, और अगर ये अच्छी कंडीशन में आपके पास सिक्का है तो आपको इसके कितने पैसे मिल सकते हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। अगर आपको भी पुराने सिक्कों की जानकारी रखने का शौक है
या आप भी पुराने सिक्कों के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस बेल नोटिफिकेशन को भी दोस्तों आप प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो के दोस्तों नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सबसे पहले दोस्तों मेरी वीडियो देख पाए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर कर दें इस वीडियो को, और आज की इस वीडियो को दोस्तों यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो को दोस्तों देखने के लिए आपका धन्यवाद।